अभी हम लोग बैठे हुए हैं फ्रेंडली बीन्स, द फ्रेंडली बीन्स, राइट जी। ओनर हमारे साथ हैं, आपका नाम? सैयद फुरखान। सैयद फुरखान साहब, फुरखान साहब कब स्टार्ट हुआ आपका रेस्टोरेंट? ये 1 वीक हो गए स्टार्ट हो गया हमारा रेस्टोरेंट। हमारे पास एक एक्सेप्शनल है, हम लोग फुटलॉन्ग सैंडविच दे रहे हैं जो सब्वे का है, आपको पता है, और ज़्यादातर लोग इधर मतलब औरंगाबाद में है ही नहीं कोई कैफे में, और उसमें ये बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं हम लोग। और जो चिकन उसमें डाल रहे हैं, नॉर्मल टिक्की नहीं डाल रहे हम लोग, और नॉर्मल ना सलामी डाल रहे हैं हम लोग, जो डाल रहे हैं उसमें हलाल चिकन हमारे साइड से, हम लोग पूरा मसाला वो सब चीज़ तैयार करके हम लोग डाल रहे हैं। और हम जो पिज़्ज़ाज वो सब चीज़ दे रहे हैं वो हम लोगों के पास ऐसा ब्रेड पे नहीं दे रहे, हम लोग पूरा बेस तैयार कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मली सब चीज़ कर रहे हैं। बेस भी आपके हमारे पास रेडी है, हमारे पास के टॉपिंग्स, हमारे पास के जो रीज़नेबल रेट्स है, रेट्स एकदम रीज़नेबल है क्योंकि कॉलेज के पास है, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सके वैसा हम लोग का रीजनेबल रेट है। बाकी कोल्ड कॉफ़ी हम लोग दे रहे हैं वो थिक मिल्क में दे रहे हैं, नॉर्मल मिल्क में नहीं दे रहे क्योंकि नॉर्मल मिल्क में ज़्यादातर मतलब मेरे को खुद को पसंद नहीं आती पर्सनली, तो कस्टमर को क्या पसंद आई, तो नॉर्मली हम लोग थिक मिल्क में दे रहे हैं। और बाकी सब चीज़ जो भी मेन्यू में मेंशन है वो हर एक चीज़ हम लोग अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मल रखना ही नहीं, और जो भी रखना है वो स्टैंडर्ड पब्लिक रखना है, देना है। आप स्टैंडर्ड तो बोल रहे हो लेकिन आपके रेट्स देख के मैं खुद परेशान हूँ, आपके रेट्स बहुत रिजनेबल हैं, तो उसका कोई खास रीज़न जैसा आप बताए, स्टूडेंट एरिया रहने की वजह से, राइट? जी, स्टूडेंट एरिया रहने की वजह से हम लोगों का स्विगी जोमेटो पे भी है, ज़्यादातर लोग ऑर्डर करना चाहे तो। बाकी मैंने जैसा आपको बोला हलाल है। आपका जो नॉनवेज का बता रहे हो, तो नॉनवेज के अंदर आपके पास जो चिकन यूज़ हो रहा है तो आप फ्रोजन चिकन यूज़ कर रहे हो या रॉ यहाँ से परचेस कर रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ से रॉ परचेस कर रहे हैं हम लोग, और उसको जो भी हमारा कुक है वो बराबर पूरा एकदम उनके हिसाब से पूरा मसाला वसाला हम लोगों का तैयार होता है, हमारे हिसाब मैरिनेशन आप लोग के पास, मैरिनेशन हमारे पास होता है। उसको पहले तो वॉश लोग नहीं करते सही से, पहली बात तो उसमें स्मेल आती है, और खुद खड़े रह के कराता हूँ क्योंकि है ना, ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं है तो कस्टमर को कैसा दूँ मैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्जिन पे फोकस नहीं कर रहे, ये सोच रहे हैं कि मैं खुद कस्टमर हूँ और कैसा टेस्ट देना चाहिए उसके ऊपर फोकस है इनका। तो आप लोग ज़रूर आइए। आपका रेस्टोरेंट की टाइमिंग बता सकते हो आप? हमारी टाइमिंग है 11 बजे से रात में 12 बजे तक हम लोग स्टार्ट रख रहे हैं अभी तो। लेकिन आपका रेस्टोरेंट 11 बजे से खुल जाता है तो रात के 12 बजे तक दोपहर में बंद नहीं रहता और हफ्ते में 7 दिन आपका रेस्टोरेंट खुला है? हफ्ते में 7 दिन चालू है हम लोगों का। सबसे अच्छी चीज़ वही दिखी मेरे को कि कस्टमर के फीडबैक ले रहे हैं, कि फीडबैक लेके उनका टेस्ट क्या है प्रॉपर आप देख रहे हैं, अगर कस्टमर कोई अपनी एडवाइस दे रहा है तो उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर ज़रूर विजिट करिए, क्योंकि रेट से यार बहुत डेंजर है, डेंजर बोलूँगा हैदराबादी लैंग्वेज में, किराक बोलूँगा, एकदम किराक रेडा है, कोई भी आ सकता है। और आपको दिल से दुआ देंगे जो कपल्स रहेंगे जो अपने गर्लफ्रेंड्स को लेके आते हैं कॉलेज के पास, तो काफ़ी कम रेट है यार सही में। थोड़ा आप लाइन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे क्या? वो जो लाइन लेके मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, लाइन बताएंगे। ये जो है फ्रेंड्स और फैमिली जो जाती है रेस्टोरेंट में तो खाना खाने के लिए जाते हैं, खाने के बहाने टेबल पे कुछ बात हो सके, लेकिन आजकल हर रेस्टोरेंट वाला एक लाइन लिख दे रहा है कि फ्री वाईफाई, तो उस वजह से हमारे गुल्लू दादा एक डायलॉग बोले थे कि जब से वाईफाई और ये मोबाइल आए साला बैठकों का मज़ा चलेगा, वैसा सीन है। सिर्फ मैं सबसे पहले व्यूवर्स को एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि फूड लॉन्ग वेज में भी इन लोग के पास अवेलेबल है। आप ये समझेंगे उन्होंने नॉन वेज बताया तो सिर्फ नॉन वेज ही, आपके वेज फ्रेंड्स भी होंगे अगर कोई वेज खाते हैं तो आप यहाँ पर डेफिनेटली आइए, और वेज के अंदर भी काफ़ी है। और वेज के नॉन वेज के अंदर इन्होंने जैसा कि बताया लोग टिक्की यूज़ करते हैं, लेकिन ये लोग अच्छे बोनलेस चंक्स यूज़ कर रहे हैं जो कि ये लोग खुद मैरिनेट करते हैं, राइट? यम्मी यम्मी लिटरली यम्मी है, सही है, बहुत बेहतरीन, सही है। अभी जो चिकन उसमें चेंज करा उससे फ़र्क पड़ा ना, तो सलामी की और टिक्की ना कुछ समझ भी नहीं आए। बराबर बोले ना भाई अपने को, जितने भी सबवे के लवर है ज़रूर आके टेस्ट करो यहाँ, औरंगाबाद में सबवे खुलगा वापस ऐसा दिख रहा है, प्रोग्राम में बंद हो गया सही में। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह मैं इसलिए कुछ बोल रहा नहीं, खाली खा रहा इसलिए, टेस्ट इतना भारी है बात करने में वेस्ट हो जाए। वैसे नहीं होता कि जो कैडबरी खत्म कर रहे हैं जमाने के इससे आदत के बच्चे तेरे से बोल। अच्छा है क्या टेस्ट? क्या मौत है
अभी बेटे अपन पिघलने के बाद खाए तो एकदम जबी बनाए थे। क्या है भाई मजाक है? यू कैन मांडू बॉस थोड़ी आमिर भाई महरूम नहीं के कैट भी से क्या जहरीला दिया ऑटो से क्यों पिंग हो गई थोड़ा चॉकलेट भरे हुए ये कैडे में पहले कैड भी खाए थे ये थिक मिल में बने हुए हैं और बेहतरीन टेस्ट है माशाल्लाह क्या तारीफ करूँ मैं आप लोग खुद आओ और खुद खा के देखो यहाँ पे क्या माशाल्लाह टेस्ट है नहीं जबरदस्ती हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए बहुत पसंद आया हम लोगों को यहाँ पे और ये जो पीछे आवाज़ आ रही बैकग्राउंड में इसको थोड़ा इग्नोर करो वैसा माइक है लेकिन देखते हैं अब आजमाएंगे एडिटिंग पे कैसा है। अभी अब टाइम आ गया है जिसका सबको इंतज़ार है स्टार रेटिंग कितने देते हैं हम लोग तो मैं सबसे पहले दूंगा फूड लॉन्ग को 10 out of 9 मेरे को अच्छा लगा बहुत 10 out of 9 दे रहा हूँ 10 out of 10 इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सब्वे वाले पकड़ के बहुत मारते हैं अगर डाला सब्वे चल रहा पूरा उसके ऊपर मैं 10 out of 10 तो नहीं दे सकता। आप कितने देंगे? मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ तो मतलब देखा जाए तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैं मेरे को मालूम नहीं था सब्वे वब्वे पे मिलता है बोल के तो मेरे को टेस्ट जो लगा तो मैं रुका के बीच में बोलना चाहूंगा जब मैं ऑर्डर दिया तो इंजमाम अंदर गए बाद बोला लंबी टांग देते गया मैं बोला क्यों तो कहते फुट लॉन्ग बोला ना अरे क्या तो यकीन मानो लंबा पैर में बोला ऐसा कुछ तो लंबा पैर रहेगा बोल के लेग पीस है बोल के वो तैयार अरे ब्रेड रहती रे वो फर्स्ट टाइम ट्राई किया और मेरे को उसका जो टेस्ट लगा मैं रेटिंग दूंगा 10 out of 8 और मैंने दिया 10 out of 9 और सेकंड हम लोग ने ट्राई किया कैडबी अब वो भी पहली बार पीछे से बोल मत बहुत मारते लोग झूठी पी चुका हूँ मैं एक हमारे दौरे जहालत में हमारे फ्रेंड की झूठी कॉफी इन्होंने पी चुके हैं कैडबी तो हाँ मैं बता रहा था कि आपको कैडबी को हम लोग देंगे मैं दूंगा पर्सनली 10 out of 7 और इंजमाम कितने देंगे देखते। मैंने कैडबी दूसरी जगह भी पिया और मेरे को लिटरली यहाँ की कैडबी बहुत पसंद आई तो मैं 10 out of 10 दूंगा यहाँ की कैडबी को हाँ मेरे टेस्ट के हिसाब से। मैंने कैडबी को 10 out of 10 दिया है मैंने 10 out of 7 दिया है क्योंकि कैडबी मैं खुद बनाता हूँ तो मेरे को थोड़ा उसका नॉलेज है और कैड एम था कैड एम मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो कैड एम को मैं दूंगा 10 out of 6 और इंजम आप कितने देंगे देखते हैं। सेम भाई ने जो दिए मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और कैडबी के मुकाबले में वो थोड़ा टेस्ट थोड़ा उसका डिफरेंट था हाँ थोड़ा डिफरेंट था। लोग द फ्रेंडली बीन्स पे आ सकते हैं ताज होटल जो है जलगांव हाईवे पे आज़ाद कॉलेज के पास उससे थोड़ा आगे राइट साइड में द फ्रेंडली बीन्स खुला है सुबह 11 से रात के 12 बजे तक तो ज़रूर विजिट करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक आप इंतज़ार करिए। आप लोग आके बिल्कुल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं घर की अभी चालू और क्या खाना क्यों आ गए थे इमरान के आग में अभी देवी और सर्जरो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो भी आना चाहता है द फ्रेंडली बीन्स पे वो जरूर विजिट करे इसका एड्रेस मैं आपको बताता हूँ हाँ आपको एड्रेस दे रहा हूँ मैं हरसुल जेल के थोड़ा सा पेट नहीं भरा पर नेचुरल था जो भी चीज़ हम लोग खाए ना वो नेचुरल थी।